नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडरा रहा है, लेकिन देश में लापरवाहों की फौज वायरस को न्योता दे रही है। लापरवाही के जिम्मेदार चेहरे हमारे कैमरे में कैद हो चुके हैं और स्टिंग ऑपरेशन में नियमों को हवा में उड़ाकर पार्टियों का आयोजन करने वाले सबूत समेत कैद हो चुके हैं। देश में जलती चिताओं से जन्म लिए दर्द को अभी राहत भी नहीं मिली। भाई पार्टी करनी है, हो जाएगी पार्टी, बैचलर पार्टी है भाई, बैचलर पार्टी है। हाँ, अल्कोहल वगैरह सर्व हो जाएगा ना? हाँ, अल्कोहल डीजे और टुक्का हमारी जो पार्टी उसमें भी वीडियो नहीं बनेगी। वीडियो दिल्ली से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। गुड़गांव के सेक्टर 29 में पहुंचते हैं हम ब्लैक मामा नाम के लाउंज में। यहां कोरोना के भीषण विकट समय में डीजे के फ्लोर पर भीड़ कोरोना को अपने पैरों से जन्म देती थिरकती हुई नजर आती है, क्योंकि नियम तोड़कर यहां ना किसी को मास्क की फिक्र न सोशल डिस्टेंसिंग। जिस हरियाणा में सिर्फ 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट्स बार्स को खोलने की छूट मिली, वहां सरकारी नियमों को अपने ही नशे में धुआं कर दिया जा रहा है। गवाही देता है अमित रोहिला, ब्लैक मामा लाउंज का जनरल मैनेजर, जो आज तक के छिपे कैमरे के सामने हर नियम तोड़ पार्टी कराने की डील करता है। आम आदमी जब देश में मास्क ना पहनने पर पुलिस की लाठी भी खाता है, जुर्माना भी भरता है, तब कोरोना को न्योता देने वाली ये न्योतेबाज रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट पब खोलने का न सिर्फ नियम तोड़ने को तैयार है, बल्कि मास्क वाली गारंटी को भी हुक्के में भरकर धुआं कराने के लिए रेडी है। दिल्ली के रेस्टोरेंट पब में कानून नियम की धज्जियां उड़ाकर हुक्का से लेकर शराब पार्टी तक कराने की डील कराने को यहां ये लोग तैयार होते हैं, तो गुरुग्राम के लाउंज में बिना मास्क पहने देर रात तक ऐसी पार्टी मैनेजर करा रहे हैं जिसकी इजाजत ना कानून देता है ना सिस्टम।
इसके बाद इन्वेस्टिगेशन का अगला पड़ाव बना फार्म्स एंड फ्रोलिक्स सेक्टर 135 नोएडा, एक ऐसा फार्म हाउस जहां पहुंचे अंडरकवर रिपोर्टर को फार्म हाउस का मालिक विवेक त्यागी दिखाने लगता है कैसे कोरोना की दूसरी लहर में थोड़ा अनलॉक होते ही नियम में मिली ढील का फायदा कानून तोड़कर उठाने वाली पार्टियां फार्म हाउस में की जाने लगी हैं। ऐसी पूल पार्टियां जहां कोरोना तैरेगा और जिंदगियां डूब सकती हैं। इस फार्म हाउस के मालिक से हमने पूछा क्या कानून तोड़कर पार्टियां कराने को ये तैयार है। बाकी 100 की गैदरिंग हो जाएगी आपके फार्म हाउस में आराम से। मैं कह रहा हूँ इनका गैदरिंग ज्यादा बड़ी थी, लेकिन सर 25 लोग अलाउड हैं यूपी में अभी की जो सिचुएशन है। हमारे 100 होंगे, यानी 100 से ज्यादा लोगों को जुटाकर पार्टी होती है तो क्या कानून की निगाह भी यहाँ तक नहीं पड़ती, क्योंकि फार्म हाउस का ये मालिक उन सारी गाइडलाइंस को ग्लास में उतार कर गटक जाना चाहता है जो सरकारें जारी करके अनलॉक में छूट दे रही हैं। दूसरा फिर उसमें ये भी हो सकता है कि मास्क वगैरह फिर कोई ना लगाए पार्टी में, हमारी पार्टी अंदर आके तो 19-20 होता ही है। हाँ। तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है, बस आप अपने बंदों का थोड़ा ये देख लेना कि कोई मेडिकली गड़बड़ ना हो। मेडिकली कोई गड़बड़ नहीं है सर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और ये सब काम होता है। जो आदमी खाना खाने जाएगा वो बिना मास्क के तो खाना खाएगा, और जो एक बार हैवीली ड्रंक हो गया है वो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ मेंटेन कर पाएगा, वो नहीं नॉर्मल भी नहीं करेंगे। आज तक के ऑपरेशन न्योतेबाज में यह साफ पता चलता है कि दिल्ली नोएडा गुरुग्राम में रेस्टोरेंट पब फार्म हाउस नियम तोड़ रहे हैं, तय सीमा से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाकर पार्टियां कराई जा रही हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मनवाने की जगह पैसे लेकर तोड़ा जा रहा है। स्थानीय पुलिस और कानून का कोई डर किसी को नहीं है, सब कुछ इन लोगों के ठेंगे पर मानो चल रहा है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये चेहरे ये सच इसलिए उजागर किया है ताकि कोरोना की तीसरी लहर को जल्दी बुलाकर संकट को निमंत्रण देने वालों पर कार्रवाई हो। जमशेद खान और नितिन जैन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला आज तक। वैसे क्या नेता और क्या आम जनता, क्या आम लोग और क्या खास लोग कोरोना की तीसरी लहर में सब बराबर भाव से योगदान दे रहे हैं। दुकानें खुल गई हैं तो लोग भी कोरोना नियम भूल गए हैं, मास्क का टास लोग भूल चुके हैं। गलती एक बार हो सकती है, लेकिन जब गलती बार बार दोहराई जाने लगे तो इसे लापरवाही कहते हैं, और जब बात कोरोना वायरस की हो तो कई बार ये लापरवाही जानलेवा भी हो जाती है। उत्तराखंड के मसूरी में पुलिस से बहस करते बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा को सुनिए, मास्क नहीं पहना और चालान कटने पर नाराज हो गए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के सरकारी कार्यक्रम में राशन बांटते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। मुरादाबाद में सब्जी मंडी की तस्वीर देखिए, खचाखच भीड़, हर तरफ लोग ही लोग, लेकिन मजाल है कोई कोरोना से डरा हुआ हो, ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब है, ना ही किसी को मास्क की पड़ी है। देश की राजधानी दिल्ली की हालत भी अलग नहीं, अनलॉक होते ही लापरवाही की तस्वीर दिखने लगी। दिल्ली के शॉपिंग मॉल्स में आपको कोरोना का डर दिखाई नहीं देगा, लोग मास्क पहनने के बजाय मास्क लटकाए हुए घूम रहे हैं, बच्चे बिना मास्क के हैं और माँ बाप बेपरवाह, दोस्तों का साथ है, फोटो सेशन हो रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा किसी को याद नहीं रहता। राजधानी दिल्ली में लोग काफी बड़ी तादाद में सड़कों पर और शॉपिंग मॉल्स में निकलने लग गए हैं। कई सारे लोग जो इतने महीनों से घर के अंदर बंद थे अब बाहर आके शॉपिंग करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज जो वो नहीं कर रहे हैं वो है कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना। कई सारी जगह लोग दिख रहे हैं या तो बिना मास्क के, या अगर मास्क लगाया हुआ है तो वो मास्क या तो नाक के नीचे है या उनकी चिन के ऊपर लगा हुआ है।
इस समय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो कोविड की तीसरी लहर बहुत तेजी से आएगी और अब की बार ये लहर पिछली लहर से काफी ज्यादा नुकसान करके जाएगी। ये वही दिल्ली है जहां कोरोना के काल चक्र की दूसरी तबाही को एक महीना भी नहीं बीता है। अस्पतालों में एक एक बेड के लिए भटकते मरीज, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़पते मरीज, दवाइयों की किल्लत से लड़ते मरीज। इस संकट ने लोगों को मन से तोड़ा भी और आपस में जोड़ा भी। पूरा भारत इसका साक्षी है, लेकिन इसके बावजूद अब चारों तरफ लापरवाही का आलम है। मानो सब कोरोना की तीसरी लहर का लापरवाही वाला वेलकम कर रहे हों। हमारे हर दुकानदार को हिदायत है कि कोई भी कस्टमर उनकी दुकान में बिना मास्क के अंदर एंटर नहीं करेगा, सैनिटाइज कराए उनको। हमने बार बार हमारे जितने सर्कुलर करीब करीब मैं समझता हूँ इस पिछले 15 दिन में मैंने 10 सर्कुलर दिए हैं। 10 सर्कुलर के अंदर सबको हिदायत दी है कि प्रोटोकॉल हर आदमी फॉलो करेगा और करवाएगा। एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई कि देश में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर तक दस्तक दे सकती है। अब तक भारत में सिर्फ 5% लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है, यानी 95% लोगों को वैक्सीन नहीं मिली। यानी खतरे का अंदाजा लगाइए कि अगर तीसरी लहर आ गई तो देश में कितनी बड़ी तबाही मच सकती है। इसका अंदाजा पहली और दूसरी लहर की त्रासदी से हो सकता है। आंकड़ों को देखें। मार्च से दिसंबर 2020 तक 305 दिनों की पहली लहर में कुल 1,02,86,023 पॉजिटिव केस आए, जबकि 1,48,968 मरीजों की मौत हुई। वहीं कोरोना की दूसरी लहर जो मार्च 2021 से 109 दिनों तक रही, उसमें 1,86,54,673 लोग संक्रमित हुए, जबकि 2,34,598 मरीजों की मौत हुई। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण 5 गुना ज्यादा फैला। हर रोज मरने वालों की संख्या में 441% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक्सपर्ट्स की राय है कि तीसरी लहर में वायरस कहीं ज्यादा खतरनाक होगा और ये ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। कोरोना वायरस का नया जीनोम, नया म्यूटेशन डेल्टा 2 वायरस इंडिया में आ चुका है। इस वजह से जो संभावना थर्ड वेव की जताई जा रही है वो भयंकर हो सकती है, और इसके लिए आम जनता को एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसमें हाथ धोना, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाना, 1 मीटर की दूरी रखना, ये तो आ ही गया, लेकिन मास्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम तो रेकमेंड कर रहे हैं कि डबल मास्किंग होना बहुत जरूरी है, इससे थर्ड वेव का जो इफेक्ट होगा वो बहुत कम हो सकता है। लॉकडाउन एक अस्थायी प्रक्रिया है, लिहाजा वक्त के साथ पाबंदियों में ढिलाई देनी ही होगी। पूरा देश अनलॉक हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब लापरवाह हो जाएं। कोरोना को हराने की गलतफहमी का शिकार सिस्टम भी हुआ और लोग भी। लिहाजा इस बार गलती ना करें, अनलॉक हो लेकिन अनुशासन के साथ। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।